नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना कामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में बात उस खबर की जिसमें इजरायल को बड़ा झटका लग सकता है। डेढ़ महीने से चल रहे महायुद्ध में अब वो हुआ है जिसका हमास बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इजरायल और हमास 4 दिन के सीज फायर पर राजी हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल को हमास के साथ सीज फायर करना बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है। गाजा युद्ध में पहली बार जीता हमास। फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट की मीडिया दावा करने लगी है कि डेढ़ महीने के भीषण गाजा युद्ध में पहली बार हमास ने इजराइल को हरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के भारी दबाव और भीषण हमलों की वजह से इजराइल सीज फायर करने को मजबूर हो गया है। 4 दिन का ये युद्ध विराम ऐसे वक्त हो रहा है जब इजरायली सेना उत्तरी गाजा में जीत के दावे कर रही है, जबकि दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ इजरायली हमले हो रहे हैं। दक्षिणी गाजा का खान यूनिस शहर इजरायली हमलों से बुरी तरह से तबाह हुआ है। ऐसे वक्त में इजराइल हमास के साथ सीज फायर को क्यों तैयार हुआ, इस पर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया और हमास के टॉप कमांडर और नेता याहिया सिनवार ने अपनी शर्तों पर इजराइल को सीज फायर करने के लिए झुका दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी युद्ध सरकार में शामिल कई मंत्री इस फैसले से बेहद नाराज हैं। फिलहाल सीज फायर के बहाने हमास को मिले 4 दिन इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। 4 दिन में इजराइल की हार। डेढ़ महीने से ज्यादा की जंग में उत्तरी गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजरायली सेना अकेले उत्तरी गाजा में ही 23,000 बमों से हमला कर चुकी है, जबकि हमास की 700 सुरंगें तबाह करने का दावा भी IDF कर रही है। लगभग 18,000 ठिकाने हमास के तबाह करने का दावा इजराइल का रक्षा मंत्रालय कर चुका है। ऐसे हालात में क्या इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि 200 से ज्यादा बंधकों को बचाने के लिए इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर पर समझौता किया है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम हमास के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और ना ही पूर्ण युद्ध विराम करेंगे। अगर इजराइल ऐसा करेगा तो यह हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा, आतंकवादियों के सामने हार मानने जैसा होगा। तो फिर इजराइल हमास के साथ 4 दिन के सीज फायर पर तैयार क्यों हुआ है? जरा इस पेचीदा पहली को भी समझ लीजिए और इजराइल की चाल को भी समझ लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि भले ही दुनिया भर की मीडिया सीज फायर पर बढ़ चढ़ कर दावे करे, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि युद्ध नहीं रुकेगा, हमले नहीं रुकेंगे। सीज फायर का मतलब युद्ध रोकना नहीं है, बल्कि बंधकों की रिहाई के लिए एक रास्ता निकालना भर है। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने बेहद चालाकी से 4 दिन का वक्त सीज फायर के नाम पर ले लिया है, क्योंकि उत्तरी गाजा के बीचों बीच हमास के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों और पैदल सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना समझ नहीं पा रही है कि आखिर हमास इजराइल के इतने भीषण हमलों के बावजूद इजरायली सेना पर हमले कैसे कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह अल कुद्स ब्रिगेड को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, क्योंकि अल कुद्स ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में इजरायली टैंकों को तबाह करके रख दिया है। अल कुद्स ब्रिगेड इजराइल के 50 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने का दावा कर रही है। अभी तक गाजा युद्ध में इजराइल के 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें कई कमांडर लेवल के अफसर हैं। अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके IDF टैंकों पर बेधड़क रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं।
בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חצופנו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר. אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. गाजा युद्ध में पहली बार जीता हमास। कुछ पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इजरायली सेना आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 504 इस वक्त उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बेहद खास गुप्त मिशन पर लगी हुई है। दावों के मुताबिक आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 504 ने ही हमास के हथियारों की खेप और सुरंगों का पता लगाया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि दुश्मनों से बचाने में मुसाद और शिनबेट के अलावा 504 यूनिट का भी बड़ा योगदान सामने आया है। इजराइल की सीक्रेट फोर्स 504 एक्टिव इस वक्त बेहद एक्टिव है। डेढ़ महीने से ज्यादा की जंग में हमास के कम 300 लड़ाकों को आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 504 ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ में कई राज खोज निकाले हैं। इंटेलिजेंस यूनिट 504 ने हमास लड़ाकों से गाजा में उनके ठिकाने, अस्पतालों में कमांड सेंटर से लेकर हमास की अगली रणनीति तक का पता लगा लिया है, जिसके बाद से इसराइल ने हमास के साथ सीजफायर का फैसला लिया है, ताकि हमास के लड़ाकों से मिली बेहद खास जानकारी के आधार पर इसराइल नए सिरे से उत्तरी और दक्षिणी गाजा में प्रचंड हमले कर सके। अब सवाल उठता है कि क्या हमास को नहीं पता होगा कि इजरायल सीज फायर के नाम पर उनके साथ खेल रहा है? तो जवाब है बिल्कुल। हमास के टॉप नेता और कमांडर सभी को पता है कि इजरायल सीज फायर की आड़ में गाजा में बहुत कुछ खेला कर सकता है, लेकिन हमास भी चाहता है कि अगर 4 दिन तक इजरायल के हमले हमास के ऊपर नहीं होंगे तो वो इस वक्त में इजरायली सेना पर नए सिरे से हमले करने के लिए अच्छी तैयारी कर सकता है। कतर में बैठे हमास चीफ इस्माइल हानिया और खुफिया ठिकाने पर छिपे हमास के टॉप नेता याहिया सिनवार सीजफायर के जरिए इजराइल के साथ जंग का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। देखिए 4 दिन के सीजफायर में क्या तय हुआ है और सीजफायर के पीछे कौन कौन से देश शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर डील को मंजूरी मिल चुकी है। इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ डील को मंजूरी दे दी है। 4 दिन के लिए बंद हुए इजरायल हमास की जंग में 30 बच्चों समेत 50 बंधकों की होगी रिहाई, जबकि 300 तक फिलिस्तीनी कैदी भी इजरायल छोड़ेगा। इजरायल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए कई तरह की शर्तों पर सहमत हो गया है। हमास के नेता याहिया सिनवार की ओर से रखी गई शर्त को भी इजरायल मानने को तैयार हो गया है। इस शर्त के मुताबिक युद्ध विराम के हर दिन 6 घंटे के लिए गाजा हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। इसका कारण है कि इजरायल बंधकों की लोकेशन ना जान सके। हमास हर दिन 10 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। इस पीस डील को मुकाम पर पहुंचाने में कतर, मिस्र के अलावा तुर्की ने भी अहम भूमिका निभाई है। तुर्की कुछ मुस्लिम देशों के सीनियर अधिकारियों को मिलाकर बने ग्रुप में सक्रियता से काम कर रहा था। ये ग्रुप इजरायल हमास में सीज फायर के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और दूसरे अहम देशों से बात कर रहा था। इस ग्रुप में तुर्की, कतर, मिस्र, जॉर्डन, नाइजीरिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हैं। हमास हैव ए ड्यूबियस रिकॉर्ड विद रिगार्ड टू होल्डिंग फायर इन द पास्ट। दे हैव यूटिलाइज्ड दीस टाइप्स ऑफ पॉजेस इन द पास्ट टू कंडक्ट मोर किलिंग एंड अबडक्शन। So we need to be very strong in our defensive position. Ceasefire नहीं, ये surrender है। ونقول للاحتلال الذي تجاوزت خسائره 180 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية ومئات القتلى والجرحى في صفوف جنوده وضباطه خلال أسبوعين فقط، نحن لازلنا في بداية المعركة ولازلنا في أول الطريق وأول الشوط. इधर हमास ने सीज फायर के बीच बहुत बड़ी धमकी दी है। हमास के टॉप कमांडर्स ने साफ कह दिया है कि इजराइल पर हम 7 अक्टूबर जैसे बड़े हमले लगातार करते रहेंगे। हमास वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों को भी इजरायली लोगों पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी MEMRI के मुताबिक
वेस्ट बैंक में मौजूद हमास की स्टूडेंट विंग ने एक वीडियो जारी कर लोगों को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोहराने को कहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि क्या 4 दिन का सीजफायर इसराइल के लिए नया नासूर साबित होगा या फिर हमास के खिलाफ गेम चेंजर।